जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यूपी पुलिस के रिजल्ट से लेकर एक बड़ी न्यूज सामने आई है, क्योंकि योगी जी ने जब आदेश दिया था कि रिजल्ट इसी महीने जारी करना है, तो भर्ती बोर्ड पूरी तरह से इस प्रक्रिया में जुट गया था। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि इस रिजल्ट में प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची है, रिजल्ट कब तक जारी होगा, आपका फिजिकल कब तक होगा, और कैटेगरी वाइज कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, और एक और बात कि किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, इस चीज को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों के सामने मैं यहाँ पर तीन इम्पोर्टेंट, ये देखिए पीपीटी लाया हूँ, ये है और एक ये है और एक ये है। तो यहाँ पर हम लोग पूरी बात करेंगे कि इस रिजल्ट में प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची है और अब आगे क्या होना है, रिजल्ट कब तक जारी होगा, यानी इस भर्ती से जुड़ी लगभग सभी अपडेट आपको इस वीडियो में दी जाएंगी। तो जो चैनल पर पहली बार आया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी ही वीडियो आप सब तक भविष्य में भी मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। देखिए, नवभारत टाइम्स ने भी अपनी कटिंग में यही डाला है कि बिग अपडेट, इस दिन जारी होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट। हालांकि इन्होंने कोई एग्जैक्ट डेट नहीं बताई है, लेकिन इन्होंने भी जैसा कि योगी जी ने कहा था, आदेश दिया था, उसी के हिसाब से इन्होंने अपना अंदाजा बताया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड अगले सप्ताह यूपी पुलिस कांस्टेबल के 60,244 पदों पर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर सकता है। और ये न्यूज है कब की, ये न्यूज है 18 अक्टूबर की, यानी आज की ही 6:54 यानी सुबह की है। देखिए, इससे पहले भी मैंने आपको पेपर की कुछ कटिंग दिखाई थी और यहाँ पर एनबीटी ने भी अपने साइट पे अपलोड किया है कि अगले सप्ताह में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब आपका रिजल्ट लगभग बनके तैयार हो चुका है। तो हम लोग यहाँ पर आगे और बात करेंगे कि आपका रिजल्ट कहाँ तक पहुँचा है। तो फिलहाल आप लोग तैयार रहें कि अगले हफ्ते आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि भर्ती बोर्ड पूरी तरह से इस वैकेंसी को कंप्लीट करने में जुटा हुआ है और सभी कर्मचारी इस रिजल्ट के प्रोसीजर में लगे हुए हैं कि जितनी जल्दी हो सके इसके फिजिकल का रिजल्ट जारी किया जाए। तो हम लोग आगे बात करते हैं, जो मैंने आपके लिए पीपीटी बनाई थी, इसमें काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मिलने वाले हैं और ये अब तक की अपडेट है कि भर्ती बोर्ड में क्या चल रहा है। सबसे पहला अपडेट यह है कि यूपीपी फिजिकल का रिजल्ट दीपावली के आसपास देने का प्लान बना रहा है भर्ती बोर्ड। अब जैसा कि सबको पता है कि अक्टूबर लास्ट में ही इसका रिजल्ट किया जाना था और अक्टूबर के लास्ट में ही दीपावली भी पड़ रही है, तो यानी आपका रिजल्ट दीपावली के आसपास आ जाएगा। और भर्ती बोर्ड भी इसी प्लान में है कि आपका रिजल्ट दीपावली से एक दो दिन पहले ही जारी कर दे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पहले तो आप लोग रनिंग करते रहना ताकि अच्छे से रिजल्ट के बाद टाइम कम मिलेगा। देखिए, रनिंग अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं तो रनिंग करिए, क्योंकि रिजल्ट से मुश्किल से 25 से 30 दिनों के बाद आपका फिजिकल शुरू हो जाएगा और मुश्किल से आपको एक महीने का समय दिया जाएगा। यानी अगर एक महीना मिल गया तो आपको बहुत बड़ा टाइम है, अदरवाइज आपका जो फिजिकल है वो एक महीने के अंदर ही करा लिया जाएगा। फिर तीसरी बात यह है कि आपका फिजिकल नवंबर लास्ट या दिसंबर में कराने का प्लान बना रहा है भर्ती बोर्ड। देखिए, पहले तो आपका रिजल्ट दीपावली के आसपास आ जाएगा, हो सकता है 2-3 दिन पहले ही आ जाए, उसके बाद नवंबर लास्ट या दिसंबर स्टार्टिंग में आपका फिजिकल स्टार्ट कराना है, ऐसा भर्ती बोर्ड सोच रहा है, क्योंकि भर्ती बोर्ड पूरी तरह से योगी जी के आदेश की ही पालना कर रहा है, क्योंकि योगी जी ने कहा था कि इस महीने के आखिरी तक इनका रिजल्ट, फिजिकल का रिजल्ट आ जाना चाहिए, तो उसी में भर्ती बोर्ड लगा हुआ है। फिर आगे हमारे पास क्या न्यूज है, तो आगे की न्यूज में ये है कि बॉयज यानी लड़कों को कैटेगरी वाइज लगभग 2.5 से 3 गुना बुलाने की बात हो रही है। देखिए, स्टार्टिंग में तो ये था कि हाँ 3 गुना बुलाया जाएगा, लेकिन इसमें भी 2.5 से 3 गुना बुलाने की अभी बात हो रही है और ये लड़कों में है, और लड़कियों में ये आंकड़ा 3 से 4 गुना भी हो सकता है, क्योंकि लड़कियां ज्यादा बुलाई जाएंगी इसमें फिजिकल के लिए। हो सकता है कि लड़कियों को 4 गुना भी बुला लिया जाए और लड़कों को 2.5 गुना भी बुलाया जाए, क्योंकि बहुत कम ही लड़कियां हैं जो फिजिकल मतलब कर पाती हैं, तो इसीलिए गर्ल्स में ये आंकड़ा 3 से 4 गुना भी हो सकता है और लड़कियों की कट ऑफ उम्मीद से कम ही रहेगी। यानी अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मेरे नंबर बहुत कम हैं, हम लोग फिजिकल स्टार्ट करें या ना करें, तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर लड़कियों में आपके 80 से 85 नंबर भी हैं, मतलब क्वेश्चन इतने बन रहे हैं, तो आप लोग रनिंग शुरू करिए, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा लड़कियों को और लड़कियों का फिजिकल इतना आसान नहीं होता है। तो इसीलिए जितनी भी गर्ल्स हैं वो लोग अच्छे से रनिंग करिए, पहली लिस्ट में नहीं तो दूसरी लिस्ट में आपका नाम आना तय है, क्योंकि देखिए रिजल्ट से लगभग 1 महीने के बाद ही आपका फिजिकल या 1 महीने के अंदर ही आपका फिजिकल करा लिया जाएगा, और 1 महीने में जितनी लड़कियां बुलाई जाएंगी उतनी पार कर लें, ऐसा हो नहीं सकता। तो लड़कियों, आप लोग तैयार रहें अपने फिजिकल के लिए। पहली बात तो 3 से 4 गुना आपको बुलाया जाएगा और उसके बाद हो सकता है कि सेकेंड लिस्ट में भी मतलब लड़कियों के लिए आ जाए, क्योंकि लड़कियों के लिए ये फिजिकल टफ होने वाला है। फिर आगे बात करते हैं, जो हमारी एक और पीपीटी है, इसमें यह है कि आप लोग नवंबर लास्ट तक अपना फिजिकल तैयार कर लीजिए ताकि फिजिकल में कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि देखिए आज 18 अक्टूबर है
और मुश्किल से आपका एक हफ्ते बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी 28 के आसपास तो आपका रिजल्ट आ ही जाएगा। बहुत हो गया तो 10 दिन में, तो 10 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आप लोग अपने फिजिकल को तैयार करते रहिए, ताकि ये ना हो कि डेट आ गई है, हमारा नाम आ गया है और हम लोग अपने फिजिकल के लिए तैयार नहीं है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि नॉर्मलाइजेशन, किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, ये हम लोग आपको आगे बताएंगे कि किस शिफ्ट में किसके कितने मार्क्स घटे या बढ़े हैं। वैसे यूपी पुलिस में हमेशा यही होता है कि नंबर बढ़ते ही हैं, बाकी नॉर्मलाइजेशन में कितना आपको फायदा होगा या कितना नुकसान होगा, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाया जाएगा, जिसमें शिफ्ट वाइज मैं आपको बताऊंगा कि किस शिफ्ट में किसके कितने नंबर बढ़ेंगे या किसके कितने नंबर घटेंगे। हालांकि घटने का कोई चांस नहीं है, लेकिन अगर बाई चांस घटने वाली न्यूज आती है तब भी वो आप सब तक पहुंचा दी जाएगी। तो नॉर्मलाइजेशन से जुड़ी अपडेट आप सब तक जल्दी ही पहुंचाई जाएगी। जैसे ही कोई अपडेट प्राप्त होगी, आप सब तक वीडियो के माध्यम से नॉर्मलाइजेशन की अपडेट बता दिया जाएगा। फिर आगे एक और इम्पोर्टेंट हमारे पास है, हालांकि जो बात मैं पहले कह चुका हूं लगभग वही है, कि पुलिस रिजल्ट पर कार्य काफी स्पीड से चल रहा है, यानी हर तरफ यही है कि बस इस जो पुलिस वाली वैकेंसी है इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराया जाए, पहले इसका फिजिकल का रिजल्ट जारी किया जाए, फिर फाइनल आंसर की का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, यानी आपकी जो फाइनल आंसर की आनी है उसका काम कंप्लीट हो चुका है। अब ये भर्ती बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी आंसर की रिजल्ट के बाद जारी करे या पहले भी जारी कर सकता है, यानी ये भर्ती बोर्ड के ऊपर पूरी तरह से निर्भर है। हालांकि वैसे आंसर की आनी तो पहले ही चाहिए, ताकि जिनको थोड़ा बहुत डाउट है वो फाइनल आंसर की से मैच करने के बाद पूरी तरह से श्योर हो जाएंगे कि उनके एग्जैक्ट कितने नंबर हैं। और बाकी ये है कि ज्यादातर शिफ्ट में 1 से 3 क्वेश्चन पर फुल मार्क्स में और आंसर में बदलाव किया जाएगा। देखिए हर शिफ्ट में लगभग 1 से 3 क्वेश्चन पर फुल मार्क्स दिया गया है, जैसे FM मतलब इस बार बताया जा रहा था कि FM यानी फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन हर शिफ्ट में 1 से 3 क्वेश्चन पर फुल मार्क्स इस बार दिया गया है, और बाकी जो कुछ आंसर में चेंज करना था उनको भी बदलाव किया जा चुका है। और आप लोग 26 अक्टूबर के बाद ही रिजल्ट का वेट करना, यानी आप लोग 26 से मान के चलिए कि हाँ आपका रिजल्ट किसी भी दिन जारी हो सकता है, और एट मैक्स आपका रिजल्ट 10 नवंबर से पहले जारी कर दिया जाएगा। तो उम्मीद यही है कि दिवाली के आसपास आपका रिजल्ट आ जाए, और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि भर्ती को जल्द पूरी करने का दबाव है, इसीलिए उम्मीद है नवंबर लास्ट या दिसंबर में आपका फिजिकल चलेगा। देखिए यहाँ पर भी वही चीज है कि आपका फिजिकल नवंबर लास्ट या दिसंबर के स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाएगा। तो अब बहुत समय नहीं बचा है, अब आप लोग कमर कस लीजिए अपने फिजिकल और रनिंग के लिए। और जैसा बताया जा रहा था शुरुआत में कि फुल मार्क्स इस बार शायद न मिले, तो ऐसा नहीं है, जो क्वेश्चन गलत हैं उन पर फुल मार्क्स का प्रोविजन किया गया है। बाकी जब ये आंसर की आएगी तो हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि हाँ फुल मार्क्स किया गया है कि नहीं किया गया है। वैसे जो क्वेश्चन गलत है उन पे फुल मार्क्स ही दिया जाएगा, और बाकी जो लोग आप लोगों के जो भी ऑब्जेक्शन रहे होंगे जिस क्वेश्चन में, उनको भी बदलाव करके आपके सामने फाइनल आंसर की लाई जाएगी। तो ये भर्ती बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि रिजल्ट पहले दे या आंसर की पहले दे। हालांकि रीजनेबल यही होगा कि पहले आंसर की आए फाइनल, उसके बाद रिजल्ट आए, ताकि सभी लोग श्योर हो जाए कि हाँ मेरे इतने नंबर हैं, और उतनी अगर कट ऑफ जाए तो लोगों को पता चले कि हाँ मेरा इतने पे हो गया है। और बाकी आगे आपको नॉर्मलाइजेशन के लिए बताया जाएगा कि किस शिफ्ट को कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है। तो अगर इस वीडियो में आपको ये सभी जानकारी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि अब तक की जितनी भी अपडेट हमारे पास थी आप सब तक पूरी भेज दी गई है। तो आप लोग इस मेहनत को थोड़ा अप्रिशिएट करिए, यानी इसको लाइक तो कर ही दीजिए कम से कम। बाकी अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर कोई भी नोटिस आए भर्ती बोर्ड से तो आप सब तक तुरंत वीडियो के माध्यम से साझा कर दिया जाए। और मुझे उम्मीद है आपको जो जानकारी दी गई होगी इस वीडियो में वो समझ आई होगी, और ये लगभग ऑथेंटिक ही जानकारी आपको भेजी गई है, यानी इसमें कोई मैंने खुद से बढ़ा चढ़ा के नहीं कहा है, जो अपडेट मिली है मुझे वही अपडेट मैंने आप सब तक साझा किया है, यानी जानकारी बिल्कुल ही ऑथेंटिक और ओरिजिनल है, आप लोग इस पर भरोसा कर सकते हैं। बाकी नॉर्मलाइजेशन की बात रही, उसको मैं सेपरेट वीडियो में आपके लिए नॉर्मलाइजेशन की वीडियो लाऊंगा कि किस शिफ्ट में किसके कितने मार्क्स घटे या बढ़े हैं। तो इसके लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इन फ्यूचर कोई वीडियो अपलोड हो तो आप सब तक तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो में यही जानकारी थी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग अपना फिजिकल कर रहे होंगे, और जिन्होंने अभी भी अपना फिजिकल ना स्टार्ट किया हो कृपया करके अब तो अपना फिजिकल स्टार्ट ही कर दो, क्योंकि अब मुश्किल से एक हफ्ते में आपका रिजल्ट आपकी आंखों के सामने होगा, फिर जब आपको टाइम नहीं मिलेगा तब आप खुद को कोसेंगे, तो कोसने से अच्छा है कि अभी खुद को तैयार कर लें। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट किसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।